जबरदस्त माशाल्लाह। अभी आप लोग को दिखाती हूँ, ये लोगों को पता है मुझे अंगूठी बहुत ज्यादा पसंद है। अब वो आएगी किससे वो नहीं पता, मैं चाहिए प्यार से लाए। जैसे माए ना वाइन पाई डायमंड जैसा, वैसे वो डायमंड जैसे अच्छी लगी, बहुत मस्त लग रही ना। इसमें ये बीच में पक्का बीच के लिए प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। जैसे माँ है ना एकदम वाइट एंड वाइट ऐसी, और बहुत प्यारी लगी माँ के। और कलर भी वाइट एंड वाइट है, बहुत खूबसूरत लगी। ओ अल्लाह बनी उनके लिए, ऐसी तकलीफ करती है। अल्लाह ऐसी कोई चीज आई, मेरी माँ है ना माँ, अगर आए भी तो पटाख से दूर कर दे। अल्लाह माँ ऐसी मरते दम तक जो मेरे साथ में रहे, मैं मरूंगी तो परी के साथ में, नहीं नहीं साथ में रहेगा, साथ में रहेगा, बस मेरे अल्लाह से यही दुआ है। इसके बाद में ऐसी कोई गलती की मतलब बाकी भी आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बच्चे लोग से गलती हो जाती है, माँ डांटती है ना, नहीं नहीं बच्चों से होती है, माँ है तो डांटेंगे ही, और माँ लोगों से गलतियां नहीं होती, बेटियों से गलती होती है। और अगर माँ बच्चियों ने मतलब माँ का बेटियों का हक पूरा अदा किए, ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और आज तक भी मतलब जो भी हुआ था, वह किसी ने मुझे पीठ पीछे ये नहीं बोला कि इन लोग ने कुछ ऐसी बात की, इसीलिए मेरे दिल के लोग ज्यादा बोलते थे, ज्यादा छा गए। लोग बोलते थे कि अरे छोड़ो तुम क्या बात कर रहे हो, वो तो उधर ऐसा बोल रहे थे, अरे वो लोग ऐसा बोल रहे थे। तो मगर मेरी ये दोनों बेटियों ने कभी ऐसा मौका दिए ही नहीं कि कोई मुझे बोले तो सही, कि इतना नाखून बराबर भी दोनों ने किधर कुछ बात की। समझे क्या बात, मुझे बहुत भाई है, नहीं तो तुम लोग को पता है मैं कैसी दिमाग की, अगर मेरे कोई दिमाग बोले तो मैं कैसी हूँ, है ना। तो यही बात से लोग मेरे दिल पे एकदम छा गए, और लोगों ने भी तारीफ की ये बातों। और ऐसी होना चाहिए, जब कोई रिश्ता रखता है ना तो लाख कोई कितना भी हमको समय, जैसा मैं हूँ मैं माँ बनी हूँ, ऐसा मौका दिए ही नहीं कि कोई मुझे बोले तो सही, कि इतना नाखून बराबर भी दोनों ने किधर कुछ बात की। समझे क्या बात, मुझे बहुत भाई है, नहीं तो तुम लोग को पता है मैं कैसी दिमाग की, अगर मेरे कोई दिमाग बोले तो मैं कैसी हूँ, है ना। तो यही बात से लोग मेरे दिल पे एकदम छा गए, और लोगों ने भी तारीफ की ये बातों की। और ऐसी होना चाहिए, जब कोई रिश्ता रखता है ना तो लाख कोई कितना भी हमको समय, जैसा मैं हूँ मैं माँ बनी हूँ, कोई मेरे से भी गलती हुई रहेगी, मिस्टेक हुई रहेगी, तो मैं मेरे बारे में मैं इनको बोल रही हूँ तो ये बुरा बोल ले, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी माँ को नहीं बोलते बुरा, है ना, किसी के सामने जो भी बात होती है तो माँ से हम लोग अकेले में बात करते हैं, चार के सामने जाके नहीं बोलते, फोनों पे नहीं बोलते, अपनी माँ को नहीं बोलते ना। तो वैसे जब किसी को माँ बना दे तो पूरा रिस्पेक्ट दो, नहीं तो फिर माँ मत करो। माँ बेटी का रिश्ता कोई ऐसी चालू रोड छाप रोड का रिश्ता नहीं होता,
तो आजकल इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे या ब्लॉग पे आप लोग माँ ऐसी मत बनाओ, मनाओ तो दिल से बनाओ, ऐसी माँ बनाओ। अरे सीमा बनाओ नहीं, माँ बनाओ तो ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ जो हर चीज में, ऐसी बनाओ जो हर चीज में आपके लिए हो और सच में। और कुछ भी हो तो इंसान माफी मांगते कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माँ माँ होती है और हम लोग से भी कुछ दुख होगा तो माँ माफी चाहते हैं। बड़ी रात को हमारी बात हो गई थी जब बारिश शरीफ में हमारी बात हो गई थी, माफी तलाओ मनाओ तो दिल से बनाओ, ऐसी माँ बनाओ। अरे सीमा बनाओ नहीं, माँ बनाओ तो ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ जो हर चीज में, ऐसी बनाओ जो हर चीज में आपके लिए हो और सच में। और कुछ भी हो तो इंसान माफी मांगते कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माँ माँ होती है और हम लोग सिर्फ कुछ दुख होगा तो माँ माफी चाहते हैं। बड़ी रात को हमारी बात हो गई थी जब बारिश शरीफ में हमारी बात हो गई थी, माफी तलाफी जो भी था हमारा हो गई थी बात, मैंने भी लोगों ने मैंने भी दिन दिखाई मेरी तरफ से माफी, और मेरे बच्चे लोग ने भी किए थे, जब भी हमारी बातें खराब हो गई समझे। और ये सब चीजें होती है जो हमारा कोई दीवार होता है कुछ होता है या बच्चे को अपन फोन कर लो, बच्चे अपने कर लो, हमारी सब खलास हो जाता है। तो दिल में कोई मुसलमान और कोई भी जात के लोग अपने दिल में कोई बात मत रखो, जिंदगी चार दिन बिल्कुल चलो। और माँ माँ है, मामा है। और वैसे भी ज़ारा'स बाय मीनू शेख मरियम हेयर एक्सटेंशन बिल्कुल, तो ये उनका ही सलोन है, नाम से उनके है। और इंशाल्लाह मेरी बेटी लोग इससे भी बड़ा फायदा, इंशाल्लाह मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगी, इंशाल्लाह थैंक यू, अभी बड़ा बड़ा करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखे आफ्टर में माँ का फेस कैसा था, मतलब और ब्राइड मैंने किया हुआ है उनको, तो मैंने उनको चेंजेस क्या क्या किया हुआ है, ब्यूटी स्पॉट और माइक्रोब्लेडिंग जो परमानेंट मेकअप है, मैंने वो माँ को लुक दिया है। तो कैसा लगा माँ को? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मैं हमेशा से देख रही थी कि जामिन सबको कर रही थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, आज मैंने फाइनली कराई, बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत करके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मरियमा सैलून में आए और उनका कलर किया है बालिया, और अभी इनको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे बोटॉक्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो अभी नीचे आप लोगों को दिखा रहा होगा, बोटॉक्स ट्रीटमेंट आफ्टर। तो आज आप लोगों को पता है मैं ज़ारा जामिन के पार्लर में आई थी, मेरी बेटियों के पार्लर में आई थी माशाल्लाह, और दिन के बाद आई थी, तो आप लोग बोलेंगे आपा का दुपट्टा सर के नीचे, तो इसीलिए दुपट्टा सर के नीचे के बच्चे लोग ने 5 बजे से जो मेहनत की है, तो अभी कितना बज रहा है, 12 बजने को आया, तो ये दुपट्टा मुझे थोड़ा नीचे ही करना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कलर, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग कितना प्यारा किए है, कौन सा कलर है बेटा ये? बालियास कलर है, कोई नया कलर बोलते हैं, और मुझे तो इतना पसंद है क्योंकि मैं पाकिस्तानी सीरियल बहुत ज्यादा देखती हूँ, तो अक्सर इसमें कलर देखती हूँ, तो मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था दिल से, और दिल से बच्चे लोग सेम वैसा ही कलर किए, और ये कुछ हाईलाइट भी बहुत ज्यादा चल रहा है बोलते आगे वाला, तो ये हाईलाइट भी किए है ना, तो बच्चे तो बहुत खुश, बेटी लोग भी खुश, परी दोनों बेटी लोग खुश, बहुत ज्यादा भी बहुत मेहनत करी, और एक बच्चा भी है घर में समीर का, थोड़ा काम चले, समीर को भी बोले भाई आज चमकाएंगे, जब माँ को चमकाए तो बाप को भी चमकाएंगे, बिल्कुल बाप का भी फेशियल वेशियल सब चालू है अभी, बाप को बाद में दिखाएंगे, मैं पहले आ जाती हूँ। और इसके साथ में मेरी बेटी को बहुत टाइम से देख रही थी मैं सबको, ये ब्यूटी स्पॉट दे रहे थे और माइक्रोब्लेडिंग क्या दे रहे थे, तो मैं भी चलो आज मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसी ब्यूटी दिखती हूँ, तो मैंने भी आज ये सब करवाई हूँ, और बेटियों का बिजनेस है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा एड के लिए, बराबर बच्चों का पेट उस पर चलता है, तो माँ को तो करना ही पड़ेगा, जब मैं लोगों का ये ब्यूटी स्पॉट दे रहे थे और माइक्रोब्लेडिंग क्या दे रहे थे, तो मैं भी चलो आज मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ, देखती हूँ कैसी ब्यूटी दिखती हूँ, तो मैंने भी आज ये सब करवाई हूँ, और बेटियों का बिजनेस है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा एड के लिए, बराबर बच्चों का पेट उस पर चलता है, तो माँ को तो करना ही पड़ेगा, जब मैं लोगों का करती हूँ तो मेरी बेटियों का नहीं करूंगी क्या, घर की मैं माँ हूँ, माँ है ना, बराबर ना, माँ तो हक बनता है, तो बच्चों के लिए ऐड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इसीलिए अभी ये बातों का इश्यू मत निकालना, आज दुपट्टा किधर गया, आज किधर गया, इनके लिए तो दुपट्टा ट्रांसफॉर्मेशन डे, तो इसीलिए मेरे बच्चों की मेहनत तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हो आगे कलर भी हुआ है और बोटॉक्स भी, हाँ कलर देख सकते हैं आपने कितना प्यारा मेरे बच्चे ने किए है, बाल है छोटे से मतलब है खूबसूरत, हाँ इतने बारे में बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत दिखती हूँ, खुश भी रहती हूँ, तो
बहुत अच्छा लगा मुझे तो, कलर बहुत प्यारा लगा और ये बाद में ऐसे लगे पीछे भी कर सकती हूँ तो आप लोग देख सकते हो। और आप लोग ने काफी दिन के बाद मेरे बाल ऐसे देखे रहेंगे, जब से तो उमरा करके तो सर पे दुपट्टा देखे थे, आज बच्चे लोग ने बोले भाई कितने के बाद तो आज परी भी चिल्लाने लगी जरा डैडी है उसके तो दुपट्टा निकालो जरा साइड में करो जरा वीडियो में आओ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और ये बेचारा बच्चा वीडियो शूट जो कर रहा है, काफी दिन के बाद मेरे बाल ऐसे देखे रहेंगे, जब से तो उमरा करके तो सर पे दुपट्टा देखे थे, आज बच्चे लोग ने बोले भाई कितने के बाद तो आज परी भी चिल्लाने लगी जरा डैडी है उसके तो दुपट्टा निकालो जरा साइड में करो जरा वीडियो में आओ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और ये बेचारा बच्चा वीडियो शूट जो कर रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत सुबह से इसने इतना हमारा मतलब वीडियो शूट किया है, सुबह से ना बहुत सुबह से बच्चा भी बिजी है, तो मेरे इधर अब जो भी कुछ रहेगा तो मैं इसकी बुलाऊंगी। क्या नाम है इसका? अकरम। मगर इसको जो आजामिन प्यार से मैगी है ना, मैगी का हक्का नूडल्स सुबह से बना लिया है, मैगी 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 करके हक्का नूडल्स बन गया बेचारा, बस अल्लाह इसकी कमाई में बरकत है और इसको भी बहुत ऊपर पहुंचाए परवरदिगार, जैसे मेरी बेटी लोग को पता, मेरी बेटी लोग को भी अल्लाह पाक बहुत ऊपर पहुंचाएगा इंशाल्लाह। अब मैं और समीर जितना होंगे इनको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह हमारा सपोर्ट इनको हमेशा रहेगा, इन्हीं टाइम रहेगा और दुआ भी हमेशा रहेगी और जो सपोर्ट चाहिए जो प्यार चाहिए हमेशा रहेगा, बिल्कुल कैसा लगा एक नंबर है ना। अभी मेरे फॉलोअर ही बताएंगे, मेरे जो मुझे प्यार करते हैं लोग ही बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ। और कम बनाओ मगर अच्छी बनाओ, मैं हमेशा से बोलती हूँ, और मेरी रिश्तेदारी कम बनती है मगर अच्छी, कम लोगों के पास जाती हूँ मगर अच्छी रिश्तेदारी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल क्योंकि मेरे कम लोग हैं जैसे अपनी शकीला हो गई फरीना, हाँ भाई शकीला तो है, बाल भागती बेचारी आगे पीछे भागती है, इधर भी आऊंगी तो बच्ची बहुत आगे पीछे आती है, और जारा जामीन है, रुबीना अपनी है, और क्या बोलते कायनात है, और अपनी कौन है अफसाना आपा है, रुबीना का लीला भाई, रुबीना कैसी रुबीना कैसी जाने से रुबीना जाने भाई, वो भी बहन और माँ दिल से मानती है, उसके लिए भी आधी रात को जाना आजी है जैसा जाना जाने, बिल्कुल और हमेशा से रहेंगे ये लोग जो भी मेरे बच्चे है, इतनी रिस्पेक्ट मेरे को देते सबसे बड़ी बात है ना, बस आप वो भी लाइक क्या प्यार भी करते हो, अल्लाह आपको हमेशा चलो अभी आपके देखो एक बज गए, सवा एक बज गए, और ये जो बच्चा वीडियो बना रहा पड़ी जरा आन दे इसको, जरा आगे आन दे इससे ले जरा, बहुत अच्छे वीडियो फोटो निकालता है माशाल्लाह से, और जितने भी चीनू के और जारा के रहते वीडियो यही निकालता है और यही शूट करता है, और माशाल्लाह मेरे इधर भी कोई भी फंक्शन रहेगा तो अभी मैं इसको ही बुलाने वाली हूँ, और जिस किसी को भी वीडियो शूट करना है, जो भी फोटो शूट करना है, एडिट वेडिट जो भी कमर्शियल सारी सारी जैसा जो भी जो भी है ना, बोलते क्या क्या है, कमर्शियल वीडियोस बनाता है, शादी के बनाता है, इवेंट्स लेता है, हर चीज करता है, शॉर्ट वीडियोस बनाता है,
जो भी चीजें आप कांटेक्ट करना है इससे बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, और आप बेचारे को मौका दो, चांस दो, बिल्कुल आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे। और मेरे यहाँ कभी फिक्स हो गया कुछ भी रहेगा तो मेरा फोटोशूट जो भी रहेगा तो इसको बुलाऊंगी। अकरम नाम है बेटा, तो अपनी आईडी भी बोल दो ना। मैगी_PH_7 बहुत अच्छी बनाता है, आप लोग जरूर बुलाओ। देखो मेरे वीडियो हमेशा रारा क्या जो बनते यही बनाता है। आज मेरे पूरे दिन का ब्लॉग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा बनाया। और मेरा आईफोन मैंने ली थी, मुझे इतना पता नहीं था तो कुछ सेटिंग भी उसकी खराब थी, वीडियो बराबर नहीं आते थे, ब्लॉग में ब्लर ब्लर आते थे, तो मैं बहुत परेशान भी होती। जो बात हकीकत है तो मैं बोलूंगी, झूठा करने आती नहीं है, क्योंकि मेरे ब्लर आते मैं बहुत परेशान थी कि मेरे कौन सी लाइट में ऐसा ब्लर आता था। मैं समीर को भी बोलती थी कि समीर कौन सी लाइट में ऐसा ब्लर आ रहा है, कि किचन में ज्यादा सूरज आता है उससे होता है। मैं आप लोगों को वीडियो में भी बोलती थी क्या सूरज से तो नहीं हो रहा है ऐसा कि इधर से, मगर मेरे मोबाइल की सेटिंग बराबर नहीं थी तो ये बच्चा देखते हैं है ना। और हमारी शकीला भी बहुत अच्छी है, अल्लाह इसको भी अच्छा रखे, और नजर वजर भी बहुत अच्छी उतारती है, हम लोग के साथ पूरी नजर उतारती है। हमारे जामिन के मुंह पे हमेशा इतना नूर रहता है माशाल्लाह, ये नजर उतारते रहती ना जा रहा की जामिन की हमारा, तो मेरी भी उतारती है। हमारी शकीला बहुत अच्छी नजर उतारती है, और मेरे बच्चे लोग अल्लाह पाक हमेशा से खुश होते हैं। मगर नहीं बेटा ऐसी माँ, ये अभी भी मैं बोली आप जब जब आएंगे पांच बार आओ, लेकिन आपके लिए हमेशा एक चीज हम लोग लेते ही है, और हमेशा आपको इतना बड़ा गिफ्ट नहीं छू तक नहीं नहीं ऐसा पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बस खाली तो प्यार दो, प्यार ये प्यार ही है, प्यार है हमारा, हमें प्यार चाहिए, बस प्यार ही चाहिए, हमेशा प्यार ही चाहिए, बस है वो तो है ही माँ। और मैं एक्चुअली खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी परी भी इतना गिफ्ट आती है, और मेरी बेटी लोग से मुझे इतना गिफ्ट मिलता है, मुझे मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सही बात, हम लोग बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं, बहुत लोग देखते हैं बेटी जी जो जो माने ले है मतलब दिल से, बेटी और बहन माने मगर बेचारे जितने माने थे मतलब दिल से प्यार करते हैं, कांच गिरी में तो फूट रही नहीं, नजर नहीं लगी, हमारे प्यार को नजर नहीं लगती है, लगेंगे तो शकीला को बोलते उतार लेंगे हम, क्योंकि आप रिश्तेदारी कम बनाओ मगर अच्छी बनाओ, मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरी रिश्तेदारी कम बनती है मगर अच्छी। अस्सलामुअलैकुम, तो ये मेरी बेटी जारा और जामिन ने मुझे गिफ्ट दिए थे, और गिफ्ट देके भी आज 4 से 5 दिन हो गया, तो मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, और मेरी बेटियों का गिफ्ट मैं एकदम तफसीर से और आराम से बनाना चाहती थी, तो इसीलिए मैं आज उनका गिफ्ट का वीडियो बना रही हूँ। फैमिली को गिफ्ट दिया, और उन्होंने पूरी मेरी जो फैमिली जो है कम्प्लीट उनके लिए पूरे पूरा गिफ्ट मेरी बेटी लोग ने, मतलब वो भी हमारी फैमिली के, मगर बेटी लोग कैसे अभी बड़े हो गए ना, तो इसलिए माँ बाप को गिफ्ट दिया है ना। इधर देखो क्या लिखा है, थैंक यू फॉर कमिंग अंकल डैडी, है डैडी का गिफ्ट,
पहले हम लोग बड़े जो डैडी है जान परफ्यूम ओहो क्या बात है, अब भी डैडी राखी मांगना चालू कर देगा। डैडी को बहुत ज्यादा पसंद है, ये मेरी बेटियों के तरफ दो डैडी रुके। डैडी बताओ इधर बताओ देखो कितना प्यारा है, परफ्यूम भी है और बॉडी स्प्रे भी है और अभी ये है ना मेरे को बहुत पसंदीदा चीज है, ये जब तक अभी खत्म नहीं होता तब तक मारते रहते मुझे नहीं मिले और आज से ताजा है मैं फुल की अभी इसके डैडी ने मारना चालू कर दी परफ्यूम दिखा तो रुकते नहीं है। वर्साची का सेट वर्साची का ओ माय गॉड ये क्रिस्टल ग्लास है और वर्साची का है और माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू बेटा माँ की पसंद का ग्लास ओ माँ एक नंबर और अल्लाह पाक तुम लोग इतना नवाजे मेरे परवरदिगार ग्लास दिए इसके लिए नहीं तो दिल से दुआ निकलती ना कुछ अलग सी फीलिंग्स वाली ये दुआ है ओके वर्साची का ओके वर्साची का ग्लास और वो भी आइस वाला बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त है सभी। अभी ये दो ग्लास हम लोग अपने लिए हस्बैंड वाइफ पानी पीने के लिए निकाले मेरे बच्चों की यादों की ग्लास है ना तो ये दो ग्लास हम लोग अपने लिए आएगी रखते रखते हम लोग चल रही है तो हाँ एक और निकालो हाँ है ना बेटा जारा जामिन रखते रखते अम्मी अब्बा चल रही है तो क्या करेंगे बच्चे यूज कर बैठो यार है ना तो इसलिए मैंने दो ग्लास निकाली ली बेटा बात के लिए रखी नहीं ऐसी बात के लिए गोल्डन ये भी निकालती अभी कप भी निकालती एक दो कप तो एक नए निकाली थी अभी तो हूर ने परसों एक का उद्घाटन कर दी हाँ और बहुत बहुत जजाक अल्लाह थैंक यू लव यू लव यू लव यू ये उनकी छोटी छोटी भांजी के लिए क्यूट क्यूट छोटी छोटी ऐश है ना अपने घर में ऐश ऐश्वर्या के लिए हाँ तो उन्होंने अपनी छोटी भांजी के लिए कितना क्यूट बैग दिया है आप लोग देख सकते हैं उसकी क्यूट उनकी प्यारी प्यारी ऐश भांजी है उसके लिए है प्यारा प्यारा पिंक किस्में और एकदम बहुत लाइट में ये उन्होंने उसके लिए बैग दिया है बहुत मतलब बहुत प्रीटी ना सुनो प्रीटी मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख रही हूँ बेटा आप लोग दुआ करो मैं जल्दी जल्दी सीखूँ मैं जल्दी जल्दी से इंग्लिश में बोलूँ प्रीटी बैग दिया है बहुत बहुत जजाकल्ला खैर अल्लाह आपकी कमाई में इतनी बरकत दे अल्लाह ऐसे ऐसे आप लोग के पास कितने बैग भर भर के पैसों कितने बैग आ एक बैग ने कितने बैग भर भर के बहुत बहुत जजाकल्ला खैर ये पर्स है इनकी छोटी बहन बोलो तो तीसरे नंबर की चौथे नंबर की बहन अनाफ के लिए अनाप पठान के लिए कितना प्यारा पर्स भेजा है उन्होंने देखो कलरफुल वाला दो कलर होता है ना दूर से अलग दिखता है नजदीक से अलग दिखता है ना बहुत सही है बहुत प्यारा पर्स है और अनाप कॉलेज जाती है तो अनाप को ऐसे ही पर्स लगते हैं और अनाप को बहुत पसंद है ये बहन लोग ने भी पर्स लाया और परी ने भी इसके लिए पर्स लाई है वाह वाह अनाप फिर तो निकल पड़ी है थैंक यू जजाक अल्लाह खैर अल्लाह तुम्हारी कमाई में और बरकत दे और तुम्हारे लोग के पर्स हमेशा भरे हुए रहे ओके ओपनिंग कर दिया इसलिए मैं थोड़ा यो हने से नहीं अरे मम्मी गिर रहा हूँ यो आपने पहले कम इसके लिए लाया था अभी ये भेल लोग ने दूसरा लेके आ गए देख रहे ना तो अभी तो ये फुल पागल होगा इसमें तो पागल था ही था अभी ज्यादा पागल होगा ये बहनों की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्लाह बहन भाइयों का प्यार ऐसी सलामत रहे हम लोग रहे नहीं रहे चलो दो बहनों का सर पे हाथ तो है बड़ी बहन लोग तो है दो इनको बहुत अच्छा लगता है देख के का है अपना गिफ्ट ये अब परी जानू का क्या गिफ्ट है अभी देखते हैं हम उनकी उनकी बहन की तरफों से तो ये देखो परी के और सोहेल के लिए कितना प्यारा उन लोग ने गिफ्ट दिए है ये है रानी क्वीन क्वीन रेड कलर की क्वीन रानी और ब्लैक कलर और गोल्डन कलर के राजा बोले तो किंग है ना तो कितना प्यारा है मैंने तो ऐसा वाला मग नहीं देखी थी समीर बोलते मैंने देखा था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये जीजा और बहन के लिए भी बहुत प्यारा गिफ्ट है बहनों की तरफ से और ये प्यार हमेशा आप लोग का ऐसी सलामत रहे मेरे बच्चों के लिए बहुत बोले तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा सबका गिफ्ट देख के और ये गिला
फाइनली अभी यूज करने निकाल लिए है और मेरा जवाई भी राजा है। हाँ, और ये प्रजा, ये दोनों प्रजा इधर है, दोनों प्रजा इधर है, प्रजा दोनों प्रजा। बोलो रेडी क्या बोलने का। थैंक यू बेटा, एक परफ्यूम के लिए, एक गोल्ड बहुत पसंद है मुझे और एक परफ्यूम, तो ये परफ्यूम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकअल्लाह, हम दोनों की तरफ से, मम्मी डैडी की तरफ से हमेशा आप लोग मुझे दुआ करेंगे के लिए कि आप लोग हमेशा सक्सेसफुल लाइफ में रहे, दोनों सक्सेसफुल हो और सक्सेसफुल हो जाएगो और बेस्ट लाइफ आप लोग जियो। हमारी ये दुआ है, हमारी ये दुआ है, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। और आधी रात को ये माँ बाप तुम्हारे लिए खड़े हैं। आधी रात को कभी भी जरूरत पड़े फोन कर देना। अल्लाह करे मेरे बच्चों कभी किसी की जरूरत नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़े, मगर जरूरत पड़े तो ये माँ बाप आधी रात को खड़े, बस एक फोन करके बस। हाँ, और दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह नजर बस से बचाए और उनके ऊपर से बोलते ना दुश्मनों की नजर से बचाए और उनको हमेशा ऐसी हैप्पी 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 रखे। लव यू ऑल, लव यू। Thank you.